वीकेंड सवालों का अंत आपके सवाल सर के जवाब किसी ने खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए किसी ने खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए <laughs> किसी ने खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए खुद की खोज करनी चाहिए <laughs> जब हम आसान समझ नहीं पाते जब आसान हमें डिफिकल्ट लगता है तब जवाब इस तरह आते हैं कि चलो अपने आप को खोजना मूर्खता लगती हो किसी को अपने आप को क्या खोजना अच्छा तुम खुदा को खोजो, उसको क्या कहते तुम खुदा को खो ये समझ नहीं पा रहा खुद को खोजना समझ नहीं पा रहा तो उसको क्या जवाब दिया जाएगा खुदा को खोजो क्योंकि खुदा को खोजोगे तो खुद पर ही पहुंच जाओगे <laughs> शुरू से ही खुदा की खोज करो कहना ही नहीं था असली अध्यात्मा तो खुदा की खोज करो कहता ही नहीं मगर लोग समझ ही नहीं पा रहे खुद की खोज करो ये मूर्खतापूर्ण लगता है तो उसको कहा जाए हम खुदा की खोज करेंगे जिसने ये संसार बनाया तो ये थोड़ा सा लक्ष्य दमदार लगता है <laughs> खुद को क्या खोजे क्योंकि शरीर मान रहा है अपने आप को खुद को खोज के क्या होगा आईने के सामने रोज देखते <laughs> क्या हुआ तो इसलिए खुद को खोजना किसी को बड़ा काम नहीं लगता तो इसलिए उनको कहा जाता है खुदा को खोजो फिर इनका सवाल है खुदा की खोज क्यों करनी चाहिए फिर असलियत पर आ जाए कि हकीकत में तो खुद की खोज करवानी थी दोनों का अर्थ तो वही है और आगे समझोगे कि खुद खुदा खुदाई करता है हकीकत तो यह है कि खुद खुदा खुदाई करता है तो बात समझ में आने लगती है कि ये कहो कि सब रहस्य है कोई कुछ, कुछ नहीं जानता और ये कहो सब ईश्वर को पता है ईश्वर का पता नहीं तो भी ये रहस्य है बात वही है सब ईश्वर को पता है और किसी को कुछ नहीं पता ईश्वर का पता नहीं तो बात एक ही है जरा अलग ढंग से कही अगर ऐसा कहा ना किसी को कुछ नहीं पता तो कुछ मजा नहीं आता इंसान का किसी को कुछ भी नहीं पता इस सत्य में स्थापित हो जाओ किसी को कुछ नहीं पता फ्री <laughs> <laughs> <Free> हो जाओ <laughs> आजाद कर दिया गया खोज उधर ही कंप्लीट कर दी गई खोज उधर ही खत्म कर दी गई वरना खोजी कितना तड़पता है अब यह पाना है वह पाना है यह कब समझेगा वह कब समझेगा यह कैसे होता है वो कैसे होता है कितने सवाल है तो शुरू में ही कहा ना कोई कुछ नहीं जानता तो आएगा नहीं यह सच्चाई है इसलिए कुछ न जानते हुए खुश रहो I know nothing and nobody else. <laughs> <laughs> इस सत्य में स्थापित होना ये जानना ये अलग बात है मगर ये शुरू में समझ भी नहीं आएगा ना क्या कहा जा रहा है क्यों टेंशन इसी का ही है ना कुछ जानना है <laughs> तो कहा जाए यहां जानने के लिए आओ ही मत यहां आनंद मनाने के लिए आओ इंसान आनंद मना नहीं पाता जिस बात पर उसे आनंद मनाना चाहिए क्योंकि बचपन से कैसी हैबिट मिली है कुछ कारण चाहिए आनंद मनाने का कोई कारण चाहिए और कहा किसी भी कारण की जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी नहीं पता जब इस तरह से निकलोगे मोहल्ले से तो कितना आनंद आएगा तो सब ईश्वर है यह कहा सब ईश्वर को पता है वही बात कही जा रही बात तो वही है मगर कुछ लोगों को, को कोई जवाब ज्यादा पसंद आएगा किसी को कोई जवाब ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि जवाब शब्दों में दिए जाएंगे शब्दों में बताया नहीं जा सकता मगर फिर भी शब्द दिए जाएंगे फिर क्या कहा जाएगा ईश्वर को पता है और किसी को कुछ नहीं पता दोनों एक ही बात है क्योंकि ईश्वर का पता नहीं इसलिए यह भी रहस्य है यह भी रहस्य है रहस्य में जिक्र देखो तो सही अननोन में यह कौन है ये मम्मी है डैडी है जल्दी से लेवल लगा लिया तो लगता है सब मालूम <laughs> मगर उनको देखा नहीं मालूम कौन है सब रिलेटिव्स को देखा यह कौन है तो सभी अनोल लोगों के साथ रह रहे कैसे मजा आ रहा है कितना आनंद आ रहा है इस तरह आनंद नहीं आता तो कहो सब ईश्वर है <laughs> तो भी आनंद आएगा पर्पज तो वही है सब ईश्वरी है और ईश्वर का पता नहीं किसी को तो सब रहे ही है कोई किसी को नहीं जानता इसलिए तुम खोज से आजाद खोज से आजाद कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं मगर फिर वो जवाब समझ में तो आए हमारी लेवल तो उतनी तैयार हो तो हमें धीरे धीरे उस लेवल तक लाया जाता जहां पर ये जवाब हमें पकड़ में आए शब्दों में नहीं समझ में आएगा मगर कुछ तो हुआ अंदर आप यही कहोगे कुछ तो समझ क्या पता हमको नहीं समझा मगर कुछ तो हुआ है देखो सवाल कैसा भी हो जवाब इंपॉर्टेंट है <laughs> तो अभी कितने लोगों को ये जवाब पसंद आता है कि सब मिस्ट्री है सब रहस्य है कोई कुछ नहीं जानता ये जवाब कितने लोगों को पसंद आया <laughs> और सब ईश्वरी है सब ईश्वर को ही पता है हाँ, तो पता चलता है कि हम एक ही चीज़ को दो दृष्टिकोण से देख रहे हैं अगर हमें ये पता नहीं है तो हम झगड़ेंगे ये लोग गलत है वो कहेंगे ये लोग गलत है अध्यात्म में भी झगड़े चलते रहते हैं द्वैतवाद वाले अद्वैतवाद वाले से झगड़ा करते हैं मूर्ति पूजा करने वाले निराकार को मानने वालों से झगड़ा करते हैं ज्ञान को वैल्यू देने वाले भक्ति पर काम करने वालों से झगड़ा करते हैं भक्ति वाले ज्ञान पर चलने वालों की हंसी उड़ाते हैं ये तो हेड में ही रहते हैं तो ये चलते रहता क्योंकि दोनों को समझ में आ जाए कि दोनों सही है दोनों को एक साथ देखना है ये अलग अलग नहीं है ये एक ही फिल्म है खुदा कहा या खुद कहा एक ही बात है मर नहीं समझ में आएगी इसलिए फिर हम अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखेंगे और सब देख लिया तो तुम भी सही तुम भी सही तुम भी बढ़िया तुम भी बढ़िया ये बेसुरा गा रहा है तुम भी बढ़िया है सुर में गा रहा है तुम भी बढ़िया है आप बढ़िया है आप भी बढ़िया है <laughs> तो उस आनंद को समझें कि हम खुद की ही खोज करके खुदा पर पहुंच जाए या खुदा की खोज करके खुद पर पहुंच जाए बात एक ही है सवाल है हम क्यों करें करने ही क्यों चाहिए क्योंकि बहुत सारे काम ऑलरेडी है और फिर ऊपर से एक नया काम दे दिया पहले ही इतने सब्जेक्ट है फिर जीरो सब्जेक्ट भी डाल दिया ठीक और नया सब्जेक्ट फिर उस पर भी पास होना है ग्रेस पर मेरे पता नहीं कि ये सब्जेक्ट बेस है सबका ये सीख लिया तो फिर सब आसान है फिर जो भी करोगे वहां पता है कि हिस्ट्री अभिव्यक्ति में कैसे मदद करेगी मिस्ट्री अभिव्यक्ति में कैसे मदद करेगी <laughs> <laughs> मिस्ट्री भी समझेंगे हिस्ट्री भी समझेंगे ज्योग्राफी भी समझेंगे साइंस भी समझेंगे विज्ञान भी तेज ज्ञान भी उम्र अभी पचास साल में मैंने एंट्री किया है लेकिन पच्चीस साल मेरे गए में में। हाँ। नहीं मिला इंडिया गया हूँ सब, हाँ। सब गया हूँ लेकिन मुझे कंप्लीट कुछ नहीं मिला है मुझे सुकून नहीं मिल रहा है हाँ। अभी सर श्री जी के पास जाने के बाद मुझे कंप्लीट सुकून मिला है तो अभी मुझे लग रहा है मैं आके एक बहुत बड़ा काम किया और मुझे ऐसा लग रहा है ये ज्ञान जो सबको मिलना चाहिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद